ओके यार, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डेटाबेस को क्रिएट किस तरह करते हैं, क्रिएट डेटाबेस की लगाई थी और डेटाबेस को रिमूव किस तरह करते हैं वो हमने लगाई थी ड्रॉप की। टेबल को अगर रिमूव करना हो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। टेबल का नाम हमने क्या रखा था, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, ये लाइन लिखूंगा। अभी यहाँ पे चेक करो, हमारे स्टूडेंट इन्फो के नाम का टेबल बना हुआ है और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। और अब अगर हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, ये इसको यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया, ये इसको रिमूव क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम नहीं बताया कि एबीसी डॉट मैसेज को मैंने रिमूव करना है, या एबीसी डॉट लिख दो या तो इसके ऊपर यूज लिख दो। मैंने अब इस पर क्लिक किया, अब देखो अब आपका टेबल क्या हो गया, डिलीट हो गया। यहाँ तक तो कोई मसला? ड्रॉप डेटाबेस हम यूज करते हैं फॉर डिलीटिंग डेटाबेस टेबल या डेटाबेस। अच्छा, यहाँ पे अगर टेबल अगेन बनाना हो, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैं रख देता हूँ एम्प्लॉय, टू राउंड ब्रैकेट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसके बाद हम यहाँ पे अब क्या बताएंगे, अब हम यहाँ पे बताएंगे इसका नाम मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, डिपार्टमेंट, ये चीजें मैंने इसमें बता दी। क्लियर बात यहां तक? उसके बाद एम्प्लॉय आईडी को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इंट, ये इंट टीचर्स में आती रहेगी। एम्प्लॉय नेम में लगा देता हूँ यहाँ पे वार्ड चार, इसकी टाइप मैं बता रहा हूँ जिसकी मैं यहाँ पे लेंथ रख देता हूँ, आई थिंक 50 इनफ। डेजिग्नेशन में भी वार्ड चार लगा रहा हूँ, वार्ड चार, डेजिग्नेशन में 30 इनफ है। सैलरी में मैं यहाँ पे डबल लगा देता हूँ कि यहाँ पे अमाउंट सैलरी इसमें आती है। और डिपार्टमेंट भी मैं यहाँ पे किस में लगा रहा हूँ, वार चार में, वार चार, यहाँ पे भी इसको मैं लिख देता हूँ 30। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं? अच्छा, ये आपने लगा दिया। इसके बाद एक चीज होती है कि एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं नल या नॉट नल। नल का और नॉट नल का मतलब क्या होता है, नल का मतलब होता है कि लेट्स सपोज मैं एक रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ, मैं सारे कॉलम्स की वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी, मतलब एक रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ मुझे उस इंसान का एम्प्लॉय आईडी भी देना पड़ेगा, एम्प्लॉय नेम भी देना पड़ेगा, डेजिग्नेशन, सैलरी, डिपार्टमेंट, डन। फिर दूसरा रिकॉर्ड जब एंटर करूंगा मुझे उसका अगेन एक आईडी देना पड़ेगा, एम्प्लॉय नेम देना पड़ेगा, डेजिग्नेशन देना पड़ेगा, सैलरी, और ये। अच्छा, लेट्स सपोज मेरे पास ना उसकी डेजिग्नेशन नहीं याद आ रही कि उसकी डेजिग्नेशन क्या है। मैं कह रहा हूँ मैं अभी बाकी रिकॉर्ड उसका सेव करवा रहा था, बाकी जो रिकॉर्ड है ये मैं बाद में सेव करवा दूंगा, डन। अगर यार यहाँ तक बात क्लियर है तो मैं इसके साथ यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको दे दूंगा कि यहाँ पे नॉट नल। नॉट नल का मतलब है कि इसके अंदर ये खाली वैल्यू नहीं छोड़ सकता है, इसको ई आई डी लाजमी फिल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉय नेम के आगे लिख देता हूँ नॉट नल, कि इसको भी हम खाली नहीं छोड़ सकते। डेजिग्नेशन अगर उसको याद नहीं आ रहा तो नल, इसमें इसके वो ऑप्शन है कि वो खाली छोड़ भी सकता है या फिल आउट कर सकता है, डन। सैलरी उसको अगर याद नहीं है तो उसके साथ में मैं नल लगा देता हूँ। और डिपार्टमेंट के आगे भी मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, नल। आपने इनके साथ भी नल लगाना है, आप इनके साथ भी नल लगा सकते हो। तो नल का मतलब होगा कि इसको हम फिल आउट भी कर सकते हैं और इनको हम स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपका रिकॉर्ड नहीं पता तो बाद में भी स्कोर सेव करवा सकते हो, डन। लेकिन नॉट नल का मतलब होगा अगर आप नॉट नल लगा दोगे तो आपको लाजमी इसको फिल आउट करना पड़ेगा, ये आगे इसको स्किप नहीं कर सकेगा जिस कॉलम पे आप नॉट नल लगा रहे हो, डन। बात यहाँ तक? अच्छा, ये चीज हो गई। नेक्स्ट वन, एक और हम यहाँ पे लगा रहा हूँ, वो हमारी क्या चीज है, मैं कह रहा हूँ कि मैं आईडी खुद ब खुद ना लिखूं, ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही हो, डन। मुझे बार बार आईडी देनी ना पड़े कि 1 2 3 4 5, ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो रही है, आईडी जनरेट हो रही हो। मैं बस नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, डिपार्टमेंट दूं, बाकी आईडी आपकी ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही हो। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एक होता है आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1,1।
ऑटो इंक्रीमेंट चला के देख लेते हैं ऑटो इंक्रीमेंट का भी मतलब कोई। यहाँ तक कोई मसला आप लोगों को, ये ऑटोमेटिकली क्या करता रहेगा इसमें प्लस वन करता रहेगा, ऑटोमेटिकली आपकी आईडी यहाँ पे जनरेट हो रही होगी। अच्छा नेक्स्ट वन एक और चीज देख लेते हैं, एक प्राइमरी की होता है, प्राइमरी की से क्या मतलब होता है, डिफरेंट कीज जो होती हैं आपकी उनकी से क्या मतलब होगा आपका? यस पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, जिन्होंने एसक्यूएल पढ़ा हुआ है मुझे बताएं। व्हाट इज मीन बाय कीज, प्राइमरी कीज वगैरह क्या होती हैं? नो आइडिया। फॉरेन की क्या आइडिया है, कीज हम यूज क्यों करते हैं असद? अच्छा प्राइमरी की हम कैसे लगा सकते हैं, प्राइमरी की लगाने के दो तरीके होते हैं। प्राइमरी की लगाने का तरीका होता है प्राइमरी की लिख दो तो आपकी ऑटोमेटिकली इस तरह करके प्राइमरी की लग जाएगी। प्राइमरी की आप किस तरह लग रही है, किस कॉलम पे लग रही है आपकी, ई आई डी पे, इस तरह करके बता दो आगे। ये अगर आप यहाँ पे नहीं बताना चाह रहे हो तो सबसे एंड पे आके बताना चाह रहे हो, सबसे एंड पे आके बता दो, वो क्या लिख दोगे, प्राइमरी की। लेकिन यहाँ पे समझ नहीं आ रही प्राइमरी किसको दी है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा ई आई डी, किस कॉलम को दी हमने ई आई डी। ऊपर तो लगाना इसलिए नहीं पड़ा था क्योंकि आप उसी लाइन में बता रहे थे। अच्छा प्राइमरी की होती क्या, प्राइमरी की बेसिकली हम हर टेबल के अंदर लगाते हैं। प्राइमरी की लगती किसके ऊपर है, प्राइमरी की लगती है आपके टेबल के किसी एक कॉलम पे, किस पे लगती है, कॉलम पे लगती है। डन, पूरे टेबल पे लगती, किसी भी कॉलम पे लगती है। इसका लगाने का मकसद क्या होता है, जब आप किसी पे प्राइमरी की लगाते हो तो उसका मतलब होता है कि उस कॉलम में रेपिटेशन नहीं होगी, उस कॉलम पे क्या नहीं होगी, रेपिटेशन अलाउ नहीं होगी। अगर हम ई आई डी पे प्राइमरी की लगा देते हैं ना, तो ई आई डी का मतलब होता है कि एम्प्लॉय आई डी आप रिपीट नहीं कर सकते, जो एक दफा बन गया उसको दोबारा बनाओगे तो आपको एरर देगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम में अगर मैं प्राइमरी की लगा देता हूँ तो एम्प्लॉय नेम अगर आपने उस्मान नाम का रिकॉर्ड सेव करा, दोबारा उस्मान नाम का आप सेव नहीं करा सकते। डन, प्राइमरी की ये होता है जो रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि वो रेपिटेशन अलाउ नहीं करता। लेकिन आपकी प्राइमरी की आपकी एक टेबल के अंदर आपकी कोई एक होती है और वो एक किसके ऊपर होती है, आपकी किसी एक कॉलम पे, तो प्राइमरी की हम उस कॉलम पे लगाते हैं जहां पे हमें कंफर्म हो कि यहाँ पे रेपिटेशन नहीं हो सकती। अब नेम पे नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि आपको पता है सेम नेम के टू पर्सन हो सकते हैं। देन डेजिग्नेशन पे क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स की या मोस्टली एम्प्लॉयज की डेजिग्नेशन क्या होती है, सेम आती है, सैलरी भी सेम होती है, डिपार्टमेंट भी सेम होता है। तो हमारे पास सबसे बेटर ऑप्शन प्राइमरी की लगाने कौन सी है, एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, सीएनएसी हो सकती है, इन पे हम लगाते हैं क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमारी रेपिटेशन नहीं होगी। डन, बात यहाँ तक। प्राइमरी के दो काम होते हैं, एक रेपिटेशन नहीं करने देता, दूसरा क्या करने नहीं देता, दूसरा वो आपको उस सेल को खाली नहीं छोड़ने देता। मतलब अगर आप इसके साथ प्राइमरी की लगा रहे हो ना, तो आपको ये नॉट नल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, इसको नॉट नल कर देगा कि हम जिस जो प्राइमरी की का कॉलम होता है उसको हम खाली नहीं छोड़ सकते, उसको फिल आउट करना हमारे लिए लाजमी है। क्लियर, प्राइमरी के काम कितने, दो काम है, एक रेपिटेशन अलाउ नहीं करता, दूसरा नॉट नल के उस सेल को क्या नहीं छोड़ता, खाली नहीं छोड़ता। कोई मसला यहां तक? अच्छा, अब आप अगर कहते हो सर मैंने इस पर प्राइमरी की लगा दी, लेकिन आपने इस तरह कहा कि प्राइमरी की हमारे किसी एक कॉलम पे लगती है, मैंने यहाँ पे सैलरी पे भी कोई यूनिकनेस लगानी है, तो प्राइमरी की तो मैं लगा नहीं सकता क्योंकि प्राइमरी की एक टेबल में एक होती है। तो आपने ई आई डी पे लगा दी, लेकिन मैंने सैलरी में भी यूनिकनेस लानी है कि सैलरी में भी सेम सैलरी दोबारा एंटर वो ना करे। यार सैलरी की बात कर लो, डिपार्टमेंट की बात कर दो, कि अगर मैंने यहाँ पे आई टी का डिपार्टमेंट का एक बंदा एंटर कर दिया, मैं दोबारा आई टी के डिपार्टमेंट आई टी के डिपार्टमेंट का नाम का बंदा एंटर ना कर सकूं। डन, अब आपके पास
80,000 रिकॉर्ड्स हैं। अब आपको याद है 80,000 में आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट्स दिए थे? नहीं याद आएगा आपको, डन। तो आप यहाँ पे क्या लगाना चाह रहे हो, आप यहाँ पे भी लगाना चाह रहे हो यूनिकनेस के, यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली क्या है, रेपिटेशन अलाउ नाउ। लेकिन प्राइमरी की जिसने आपको मैंने एक डेफिनेशन दी है, एक टेबल के अंदर कितनी प्राइमरी की होती है, ओनली वन, और वो किसी एक कॉलम पे लगती है जो यूनिकनेस लाती है। अब बाकियों पे अगर आपने लाना है तो उसके साथ मैं लिखता हूं यहाँ पे यूनिक, दैट्स इट, ठीक है। यूनिक की और प्राइमरी की दोनों सेम होती हैं, यूनिक की और प्राइमरी की दोनों में फर्क क्या है? प्राइमरी की आपकी एक टेबल में किसी एक कॉलम पे लगती है, यूनिक की आपकी एक टेबल में हर कॉलम पे लग सकती है, डन, पहली बात। दूसरी बात, यूनिक की बस रेपिटेशन खत्म करती है, प्राइमरी की दो काम करती है, रेपिटेशन प्लस नॉट नल, के वो सेल को खाली नहीं, लेकिन यूनिक की में हम छोड़ सकते हैं, डन बात यहां तक। अच्छा, अब आपको समझने का, यूनिक की रेपिटेशन अलाउ नहीं करती, डन। अब आपने एक सेल को खाली छोड़ा और अगले सेल में लिख दिया ए बी सी, तीसरे सेल में लिख देते ए बी सी, रेपिटेशन आ गई, अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अगर तीसरे सेल को मैं खाली छोड़ू, अलाउ करेगा? वो भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पहला सेल भी आपने क्या छोड़ा हुआ है, रेपिटेशन आ रही है। या तो आप पहला सेल फिल कर दो, फिर वो तीसरे वाले को अगेन खाली छोड़ देगा। यूनिक की में एक सेल खाली होता है बस, कोई भी एक सेल, डन बात यहां तक। एक से ज्यादा सेल को वो खाली नहीं छोड़ सकता। यहां तो की मसला आपको सेल से मतलब समझ आ रहा है, व्हाट इज सेल, सेल किसको कहते हैं, जहां पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करें, मतलब एक बॉक्स को, डन बात यहां तक। तो यूनिक आपने लगानी है, यूनिक आप इस तरह करके लगाओ, यूनिक आप मल्टीपल लगा सकते हैं, यूनिक का इशू नहीं है। प्राइमरी की आपका एक होता है, लेकिन यूनिक की हमारी कितनी हो सकती है, आप हर कॉलम पे लगा सकते हो, लेकिन इस कॉलम पे नहीं लगा सकता फर्स्ट वन वाले पे, क्योंकि इस पे ऑलरेडी प्राइमरी की लगी हुई है, तो मुझे यूनिक नहीं लगा सकता, डन। और यूनिक की लगाने के लिए हम खाली सिर्फ क्या लिखते हैं, यूनिक, और प्राइमरी की लगाने के लिए हम क्या लिखते हैं, प्राइमरी की पूरा। यहां तक कोई मसला आप लोगों को, कोई मसला? यूनिक की मैंने कितनी लगाई है, किस किस जगह पे, डेजिग्नेशन, सैलरी और डिपार्टमेंट में, डेजिग्नेशन में नहीं लगाता, दो जगह पे लगा रहे हैं, सैलरी डिपार्टमेंट पे, ठीक है। अब इसको मैं चलाते हैं, इसको सिलेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पे मेरे कोई कोड में मसला है, डू यू थिंक है मसला यार? मैंने यहाँ पे डेटाबेस नहीं बताया किस डेटाबेस में मैंने काम करना, यूज ए बी सी, या तो आपको मैंने कहा था इतना करके लिख दो, या दूसरा सिनेरियो मैंने क्या बताया हुआ है, एबीसी डॉट लगा के कर दो, दोनों आपके सिनेरियो एक जैसे ही हैं। ये आपका चल गया, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखो टेबल के अंदर आपको एम्प्लॉय बन गए, एम्प्लॉय के अंदर अब आप यहाँ पे चेक करो, कॉलम्स बन गए आपके, ई आई डी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, डिपार्टमेंट। और अगर हम यहाँ पे इंडेक्सेस, अगर हम इंडेक्सेस देखते हैं, इंडेक्सेस के अंदर प्राइमरी की आ रही है, प्राइमरी की किस पे लगाई उसने, सैलरी पे, उसने क्या लगाया, यूनिक की, डिपार्टमेंट में भी लगी हुई है। ये आपको बता रहे हैं इन तीन कॉलम्स पे आपकी क्या लगी हुई है, कीज लगी हुई है, कीज को हम बेसिकली कहते हैं इंडेक्स। क्लियर बात यहां तक? ओके, वो आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा है कि सैलरी पे आपने की लगाई हुई है, आपने डिपार्टमेंट में की लगाई हुई है, और एक प्राइमरी की लगी, प्राइमरी की ये तो एक ही होती है, वो कहां पे लगी हुई है, ई आई डी पे, डन। अब अगर मैं आपको कहूं, अच्छा एक और चीज का ख्याल रखना, अब देखो मेरा टेबल का कोड हुआ हुआ है, टेबल मेरा वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कर रहा है नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉय नाम का टेबल, डन। अगर मैं अब आपको कहता हूं कि मैंने एम्प्लॉय नेम के साथ मैं भूल गया हूं, लेट्स सपोज मैंने यहां पे एक सी एन आई सी का भी बनाना था, मेरे जहन से निकल गया, मैं भूल गया हूं, अब मैं दोबारा टाइप कर रहा हूं सी एन आई सी में सेम कोड में वाचर, और यहाँ पे लिख देता हूँ 15 लेट्स सपोज, और यहाँ पे आपको ये अलाउ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका एम्प्लॉय नाम का टेबल बना हुआ है, ये देखो मैं यहां पे करता हूं, ये देखो मैं ये जरा मेरी आउटपुट की स्क्रीन नीचे हुई हुई थी, यहां पे आपको क्या कह रहा है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, टेबल एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ये जो अब आप काम कर रहे हो ना, अब आप कर रहे हो एम्प्लॉय के बने हुए टेबल के अंदर मैंने एक अपडेट करना है, वो अपडेट क्या करना है कि सी एन ए सी का कॉलम लाना है।
ये आप इंसर्ट नहीं करवा रहे, नया टेबल नहीं बना रहे हो। क्रिएट वाली जो क्यूरी चलती है ये तब चलती है अगर आपका इस नाम का टेबल नहीं बना हुआ और हम नया नाम का टेबल बना रहे हैं। डन, इसका अब आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सीएनसी हमने बनाने, मैं यहाँ पे स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रिपल ई, क्या कर दिया यहाँ पे, ट्रिपल ई कर दिया। अब अगर कोड चलाता हूँ, अभी अब आप चेक करना यहाँ पे, अब आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखो आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब आपका यहाँ पे दो टेबल बन जाएंगे, एक एम्प्लॉय के नाम से और एक एम्प्लॉय ट्रिपल ई के नाम से, क्योंकि इस नाम का टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। और एम्प्लॉय ट्रिपल ई के अंदर आपका सीएनसी का नाम का कॉलम होगा, मिल गया, जबकि एम्प्लॉय के अंदर आपको सीएनसी के नाम का टेबल नहीं मिलेगा। कोई मसला यहां तक, ठीक है? अच्छा, बने हुए टेबल के अंदर किसी कॉलम को डिलीट करना, बने हुए टेबल के अंदर किसी कॉलम को ऐड करना, ये कोई और क्यूरी होती है, मतलब वो आप अपडेशन कर रहे हो। क्लियर बात यहां तक? कोई मसला नहीं। ओके, आगे मूव करते हैं। ये जो बने हुए टेबल के अंदर चेंजिंग वगैरह करना, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट काम हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा क्यूरीज के थ्रू बाद में करेंगे। आप क्या कह रहे हो, इंडेक्सेस के अंदर देखो प्राइमरी सैलरी डिपार्टमेंट दिखा रहा है, ठीक है? अच्छा, अब लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहूं कि मैंने यहाँ टेबल के अंदर रिकॉर्ड सेव कराने, किसने कराओगे? आपको टेबल के अंदर जब रिकॉर्ड सेव कराने होते हैं इसके लिए हमें क्यूरी लिखनी पड़ती है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, लेकिन एम्प्लॉय इसको फाइंड नहीं होगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, एबीसी डॉट या यूज लिख दें, एबीसी डॉट एम्प्लॉय, आगे क्या लिखोगे, ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे क्या बताएंगे, या अगर मैं इसको रहने देता हूँ, वैल्यूज लिखता हूँ, आगे अब आपने कॉलम्स इस तरह करके बनाए थे। अभी लेट्स सपोज एम्प्लॉय के अंदर हमारा सीएनसी के नाम का नहीं है, ई आई डी एक है आपका, वो मैं नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि वो आपने ऑटो इंक्रीमेंट में लगाया हुआ है। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम आपका वार चार में, जो चीज आपकी वार चार में होती है उसको हम कोर्ट्स में लिखते हैं, उसको मैं डबल कोर्ट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, या सिंगल कोर्ट्स में लगा देते हैं, नो इशू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस्मान, क्योंकि ये मेरे वार चार में, ठीक है? दूसरा कॉलम मेरा किसका था, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन में यहाँ पे दे देता हूँ मैनेजर, क्योंकि ये भी वार चार में था। सैलरी मेरी किस में थी, डबल में थी, मैं सैलरी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लिख दी मैंने, डबल में थी इसलिए मैं इसको कोर्ट्स में नहीं लिखूंगा, जो चीज वार चार में उसको हम कोर्ट्स में लिखते हैं। डिपार्टमेंट आपका अगेन वार चार में, डिपार्टमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ आईटी। डन, और तो नहीं कोई कॉलम रह गया मेरा, क्लियर? ये हमने क्यूरी लिख दी। अब इस क्यूरी के बाद इसको चलाते हैं, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया, आपकी ऑटोमेटिकली ये कॉलम यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपको ये भी बताना पड़ेगा, आपको आईडी भी बताना पड़ेगा, आपका एक रिकॉर्ड एंटर हो गया, ये आपका एक ऑटोमेटिकली आपका एक रिकॉर्ड क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसको अगर हमने देखना है, रिकॉर्ड को देखने का तरीका क्या होता है, आपने यहाँ पे लिखना होता है सिलेक्ट अस्टेरिक
ये क्या चीज है, इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। फ्रॉम टेबल नेम एबीसी डॉट एम्प्लॉय, ये हम यूज करते हैं डेटा को देखने के लिए। क्या रिकॉर्ड आ रहा है, कॉलम्स नेम दिखा रहा है आपको स्टार्ट में ऊपर, ई आई डी एम्प्लॉय नेम जो रखे थे हमने और उनकी वैल्यूज आ रही जो हमने सेव करवाई है। डन बात यहां तक, ओके नेक्स्ट वन आते हैं। मैं एक और रिकॉर्ड सेव कराना, मैंने यहां पे लिख दिया टू, यहां पे लिख देता हूं उमेर, यहां पे लिख देते हैं डेवलपर, यहां पे ये लिख देते हैं सी एस लिख देते हैं। अब इस रिकॉर्ड को अगर हमने चलाना है, अगेन मैं चलाता हूं, आपका रिकॉर्ड हो गया। अब अगर मैंने रिकॉर्ड देखना होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिलेक्ट स्टैटिक, वही लाइन दोबारा चला रहा हूँ, दूसरा रिकॉर्ड भी सेव हो गया। क्लियर बात यहां तक, ओके। अब आपको ये बेसिकली आप कर रहे हैं यहाँ पे सारे रिकॉर्ड सेव। मैं कहता हूं अगर मैंने सारे रिकॉर्ड सेव नहीं करने, मैंने सारे रिकॉर्ड सेव नहीं करने, मैंने कुछ रिकॉर्ड सेव कराने हैं, तो उसके लिए अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप बेसिकली यहाँ पे लिख रहे हो इंसर्ट इनटू एपीसी की डेटाबेस में एम्प्लॉय के टेबल में इंसर्ट करना है, ये उसकी वैल्यूज हैं। तो सारी सारी आपको वैल्यूज देनी पड़ी इन सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हमें टेबल को बनाया। आप यहाँ पे नहीं लिखोगे टू डेवलपर, क्योंकि डेवलपर लिखोगे डेवलपर किस में जाएगा, आपके नेम में चला जाएगा, आपने उसी सीक्वेंस में देना जिसको सीक्वेंस में मेरा टेबल बना हुआ है। डन। अच्छा अगर आप कहते हो कि मैंने कुछ वैल्यूज नहीं देनी, नल मैंने किस में अलाउ किया हुआ है, नल मैंने एम्प्लॉय नेम में अलाउ किया हुआ है, नल मैंने किस में अलाउ किया हुआ है, डेजिग्नेशन में। मैं कहता हूं कि मैं नाम नहीं देना चाह रहा, लेट्स सपोज, और मैं क्या नहीं देना चाह रहा, डेजिग्नेशन नहीं देना चाह रहा, मैं इन दो को स्किप करना चाह रहा हूं, बाकी सैलरी भी दे देता हूं मैं और डिपार्टमेंट भी मैं दे देता हूं, यहां तो कोई मसला नहीं, ओके। मैं डिटेल में देना चाह रहा हूं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉय के साथ एक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और इस ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे इस ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, एक में बता रहा हूं ई आई डी कॉलम्स नेम सेम टू सेम, और दूसरा में क्या बता रहा हूं, सैलरी नाम को बता रहा हूँ, सैलरी सेम नेम स्पेलिंग लिखने पड़ेंगे, और तीसरा क्या बता रहा हूँ, डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इसको अगर मैं चलाता हूँ ये आपको एरर देगा, व्हाट डू यू थिंक, ये एरर आपको देगा, ये एरर आपको इसलिए देगा, क्या दे रहा है एरर, क्या दे रहा है एरर लास्ट वाला, सैलरी सेम है, मैंने सैलरी पे क्या लगाया हुआ था, तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा, इसको सेव करे। अभी रिकॉर्ड मैंने क्या सेव करवाया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे ये वाली सेव करवाई ना जिसमें 40,060, इसको चेक करते हैं सेव हुआ भी है नहीं हुआ है। इसको मैं अगर यहाँ पे चला के दिखाता हूँ, सेव हुआ है रिकॉर्ड, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसने एरर दे दिया कि इस नाम का ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आपने यूनिक ही लगाई हुई थी, डेट्स व्हाई। तो इसकी सैलरी जरा हम चेंज कर देते हैं, यहाँ मैं इसकी सैलरी कर देता हूँ यहाँ पे ये। अब इसको यहां पे चलाते हैं, अगेन वो चला रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं वो, सी एस पे भी आपने, मैं कहा डिपार्टमेंट में भी आपने यूनिक ही लगाई हुई थी और इस नाम का हमारे पास रिकॉर्ड सेव हुआ है, चेक कर लेते हैं सी एस नाम का रिकॉर्ड सेव है, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट चेंज करके इसके बाद मान लेते हैं एससी लिख देते हैं। अब चलाता हूं, अब आ गया वन रो फैक्टेड कि आपकी रिकॉर्ड सेव। अब अगर हम चलाते हैं यहां पे सिलेक्ट करके, हो गया सेव, आपने क्या क्या दिया था, बस आपने नाम नहीं दिया, आपने डेजिग्नेशन नहीं दिया, आपने क्या प्रोवाइड किया उसको, सैलरी और डिपार्टमेंट, उसने ऑटोमेटिकली सेव कर लिया, ठीक है। अच्छा अब आप कहते हो यार कि मैंने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे आईडी भी जनरेट नहीं करना चाह रहा,
आपकी एडी भी ऑटोमेटिकली बने। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे भी दो कर दूंगा क्योंकि सैलरी डिपार्टमेंट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10,000 और यहाँ पे क्या लिखा दूँ, गवर्नमेंट कुछ भी लिख देता हूँ, लेट्स सपोज ये लिख देते हैं। अब इसको चलाता हूँ मैं, आपका रो इंसर्ट हो गई है, ये दिखा रहा है आपको, दिखा रहा है देखो 10,000 गवर्नमेंट वाला रो यहाँ पे इंसर्ट हो गया, वन नो अफेक्टेड। अब अगर हम इसको चला के देखते हैं, आप लोगों को मैंने एक बात बताई है ना कि अगर आप लोगों ने इस पे ऑटो इंक्रीमेंट लगाया हुआ है तो आपको आईडी बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आईडी ऑटोमेटिकली क्या होती है, खुद ब खुद जनरेट होती है। अगर आप बताना चाहो तो भी कोई इशू नहीं, अगर आप नहीं बताना चाह रहे तो आपकी आईडी ऑटोमेटिकली क्या होगी, जनरेट होगी, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ई आईडी पे प्राइमरी की लगाई हुई है। प्राइमरी की लगाने का मतलब है कि इसमें रेपिटेशन नहीं होनी, दूसरा काम नहीं हो, क्या नहीं होना कि इसको हम स्किप भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं उसकी वैल्यू क्या कर रहा हूँ, नीचे स्किप कर रहा हूँ। तो हमने क्या लगाया हुआ था, ऑटो इंक्रीमेंट लगाया हुआ था, इस वजह से उसने इसको क्या किया, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्या दे दी है, वैल्यू दे दी है, +1 +1 +1 करता रहेगा। यहाँ तक किसी को इशू इन एफ एच का लेक्चर, यहाँ तक आपको मेरे एम्प्लॉय नाम का यहाँ पे बना हुआ है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, डबल ई के नाम से भी बना हुआ है, एम्प्लॉय ट्रिपल ई के नाम से भी बना, और ये नाम यहाँ पे क्या रखा हुआ मैंने, ट्रिपल ई। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये यहाँ पे क्या दे रहा है आपको एरर, सबसे लास्ट वाला टेबल एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, आपको एरर दे रहा है ना ये। अच्छा मैं यहाँ पे कंडीशन ये लगा देता हूँ, क्रिएट टेबल If not exist, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है ये मैंने चेक लगा दिया। अभी आपको बेसिकली देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, एरर कोड, ये आपको एरर दे रहा था कि यार ये बना हुआ है, हम दोबारा इसको नहीं बना सकते। अब मैंने इसको सिनेरियो यहाँ पे ये दे दिया है कि इस टेबल को बनाए, लेकिन अगर पहले का बना हुआ है फिर ना बनाए, ठीक है अभी अब आपको एरर नहीं देगा, ये चेक करो, लेकिन बनाएगा भी नहीं, ये देखें एरर दिया इसने, क्या दे रहा है, अब ये वार्निंग दे रहा है कि ये टेबल मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अच्छा एरर और वार्निंग में फर्क किया, वार्निंग में गुड, वार्निंग में अगला कोड भी चल जाएगा आपका, अगर आप लेट्स सपोज ये कोड भी चलाना चाह रहे होगे ना, वार्निंग में चल जाएगा, एरर में अगर एरर आ जाता तो अगले कोड नहीं चलाता, स्टॉप कर जाएगा, क्लियर। तो गुड प्रैक्टिस के लिए आपको मैं बता देता हूं, आपको लाजमी इफ नॉट एग्जिस्ट लगाना पड़ता है कि अगर नहीं बना हुआ। अब लेट्स सपोज देखो मैं इस नाम का यहां पे लिख देता हूं एबीसी स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का बना हुआ मेरा, हाँ स्टूडेंट नाम का मेरा टेबल बना हुआ है, नहीं बना हुआ, देखो बना देगा, बना दिया स्टूडेंट नाम का इसने, दोबारा चलाऊंगा वार्निंग देगा कि स्टूडेंट नाम का रेडी बना हुआ है, दोबारा नहीं बनाएगा, इफ नॉट एग्जिस्ट लगाना पड़ता है, ये अच्छी प्रैक्टिस के लिए होता है आपके लिए, क्लियर बात यहां तक। तो ड्रॉप टेबल के साथ भी इस तरह लगा सकते हो, ड्रॉप टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, नहीं सॉरी ड्रॉप टेबल के साथ नहीं लगाते, ये हम लगाते हैं क्रिएट टेबल के साथ और क्रिएट डेटाबेस के साथ, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं हाउ के नाम से, हाउ के नाम की मेरी डेटाबेस नहीं बनी हुई है, मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे चला रहा हूँ हाउ के नाम की, अब यहाँ पे आपकी डेटाबेस बन जाएगी, बन गई, लेकिन अगर दोबारा बनाओगे तो आपको ये वार्निंग देगा कि आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या है, डेटाबेस एग्जिस्ट करती है, क्लियर बात यहाँ तक। इफ नॉट एग्जिस्ट लगाना आप लोगों के लिए जरूरी होता है, ये अच्छी प्रैक्टिस के लिए होता है आपके। ओके आज के लेक्चर हमारा यहीं तक था।